Very good morning to all. I am Ravika from SIMT Nakoda. Today we are going to discuss issue of shares at par, premium and discount. कि जब भी हम issue करते हैं किसी भी shares को तो वो हम तीन basis करते हैं पे करते हैं, जैसे कि पार पे. अब बोलते हैं कि जो शेयर्स होते हैं पार पे, ये क्या होते हैं? बोलते जब शेयर्स जो हैं वो पार पे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने शेयर्स जो हैं वो सोल्ड किए हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू पे. और ये जो शेयर्स हमने सोल्ड किए हैं ये प्रीमियम कॉस्ट पे हैं और ये ज़्यादा है उसकी नॉमिनल वैल्यू से. तो अमाउंट जो कि हमने एक्सेस की है उसे हम बोल देते हैं फेस वैल्यू. और ये जो फेस वैल्यू है ये होता है प्रीमियम. ठीक है, नेक्स्ट शेयर ऑफ इशू एट प्रीमियम. प्रीमियम क्या होता है? एक कंपनी जो है वो इशू करती है शेयर्स प्रीमियम पे. इसका मतलब ये है कि जो इशू प्राइस है वो हायर है किससे? उसकी फेस वैल्यू से. दूसरे वर्ड में डिफरेंस जो इशू प्राइस का है या फेस वैल्यू का होता है उसे हम बोल देते हैं प्रीमियम. प्रीमियम जो है ये एक्सेस मनी होती हैं जो कि हम कलेक्ट करते हैं या जो उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल शेयर जो है वो 10 रुपये का है फेस वैल्यू पे, लेकिन हम उसे इशू कर रहे हैं 12 में, तो ये जो है ये प्रीमियम जो है 2 रुपये का, उसे हम क्या बोल देते हैं? ये जो 2 रुपये हैं ये हमारा क्या है? प्रीमियम. यानी कि वो कितने का था? 10 रुपये का था, लेकिन हमने उसे 12 में बेचा है, तो ये जो 2 रुपये है ये उसका क्या है? प्रीमियम. जब शेयर जो है वो हमने इशू किए हैं प्रीमियम में, तो अमाउंट जो है प्रीमियम की वो हम क्रेडिट करेंगे कहाँ पे? सेपरेट अकाउंट में, जिसे हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, अब बोलते ये जो अंडर सेक्शन 78 है, तो बोलते ये जो है ये ऐसी अमाउंट होती है जिसमें हमारे को क्रेडिट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है वो हम यूज़ करेंगे फॉलोइंग पर्पसेस के लिए. जैसे कि हमने इसमें इशू किया है फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को, ठीक है, देन हमने राइट ऑफ किया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, देन हमने राइट ऑफ किया है कमीशन को या डिस्काउंट जो कि हमने उसमें किया था. ठीक है, और इसमें प्रीमियम पेएबल होगा रिडम्पशन पे या फिर प्रेफरेंस शेयर्स पे. नेक्स्ट है शेयर्स इशू एट डिस्काउंट, कि जब हमने इशूज को शेयर्स को कहाँ पे इशू किया है? डिस्काउंट में. तो एक कंपनी जो है वो इशू करती है अपने शेयर्स को प्राइजेस पे, और ये जो प्राइजेस होते हैं ये लेस होते हैं उनकी फेस वैल्यू से, तो इसे हम कह देते हैं कि हमने उसे इशू किया है डिस्काउंट पे. यानी कि 10 रुपये का था हमने 9 रुपये में बेचा है, यानी कि 1 रुपये का हमने घाटा खाया है, तो इसे हमने क्या कह दिया? डिस्काउंट. अब आपको यहाँ से क्लियर होगा कि पार पे क्या था? पार पे था कि आपने 10 रुपये का शेयर लिया, आपने 10 में बेच दिया, तो ये क्या हुआ? पार. प्रीमियम क्या था? 10 रुपये का शेयर था, 12 में बेच दिया, ये क्या हो गया? प्रीमियम. अब डिस्काउंट में क्या होगा? 10 रुपये का शेयर था, 9 में बेच दिया, तो ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट. तो बोलते हैं ये जो शेयर्स हैं ये हमने 1 रुपये का घाटा खा के जो बेचे हैं, तो हम इसे क्या बोल देते हैं? डिस्काउंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब कंपनी जो है वो इशू करती है डिस्काउंट पे जब हम फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, इसमें जो इशू है शेयर एट डिस्काउंट का, ये ऑथराइज किया जाता है एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा, और इसमें कंपनी जो है उसकी जनरल बॉडी मीटिंग जो है वो सैंक्शन की जाती है. किसके द्वारा? कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा. अब मैक्सिमम अमाउंट जो है डिस्काउंट की वो ज़्यादा नहीं होगी 10% से, लेकिन कंपनी लॉ बोर्ड जो है वो कन्विक्ट करेगा शेयर्स को और हम इसे इशू करेंगे हायर और हायर रेट पे. ठीक है, अब कंपनी जो है उसका एटलीस्ट 1 ईयर का एग्जिस्टेंस जो है वो होना ही चाहिए, तभी आप डिस्काउंट पे शेयर कर सकते हो. ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो. टिल देन थैंक यू क्लास.